भाई सभी भैया ने राम राम, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? देखो भाई, जीवन में अपनी परेशानियों से सिर्फ तुम लड़ सकते हो और कोई नहीं लड़ सकता। चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे जो भी हो, अगर तुमको अपनी परेशानियों से लड़ना है तो तुम्हें खुद लड़ना होगा, नहीं तो हारोगे। बाकी ज्ञान की बात तो बाद में करेंगे। बहुत ही ज़्यादा डाउट था कि जीके कैसे करना है, तो ये वीडियो जीके के लिए होने वाली है कि भाई कुछ तो कर लेनी है। करो बेन स्टोक्स कहाँ था? तो जीके के बारे में बता रहा था तुमको कि जीके आजकल के एग्जाम में अब फुल इज्जत वाला सब्जेक्ट हो गया है। अब वो बिल्कुल जीके नहीं रहा जो लेवल लेवल किया करता था। अब उसको चाहिए फुल इज्जत भाई, तो तुमको फुल इज्जत देना पड़ेगा अगर तुमको सिलेक्शन लेना है तो। अब देखो, जीके का बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन जो मेरे पास है, मैं तुमको बिल्कुल स्ट्रेट सोल्यूशन देना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन सुनो, तुम चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, जीके मस्ट है, तुमको वो करना ही पड़ेगा। जीके में आता है भाई स्टैटिक, जीके में आता है फैक्चुअल चीज़ें, जीके में आती है सब्जेक्ट्स, और जीके में आता है करंट। इन सारी चीज़ों को तुम कहाँ से कवर करोगे, कैसे करना है, इस बारे में बात करते हैं। मेरा नाम किशन गुप्ता है भाई, मैं एक्सेंट्रल एक्सेंट इंस्पेक्टर हूँ 2019 सीजल बैच से, और बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अटेंडेंस देता रहूँ और आप लोग भी जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो। चलो स्टार्ट करें। देखो मुझे ज़्यादा बोलने नहीं आता यार, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास तीन किताबें हैं जीके के लिए। दो किताबें हैं जो सब्जेक्टिव हैं, या तो दोनों नहीं पढ़नी है, उसमें से कोई एक पढ़ सकते हो जो भी तुमको अच्छा लगे, क्योंकि दोनों किताबें एक ही हैं, बस कवर चेंज और साइज चेंज है और कुछ नहीं, ठीक है? तो वो दो किताबें हैं, एक मैं जो बताता रहता हूँ, ये अरिहंत की जो किताब है, मनोहर पांडे जी की बेहतरीन किताब है, और एक है भैया जिसको बोलते हैं रामबाण, लूसेंट, ठीक है? अब दिक्कत क्या आती है कि लोगों को समझ ही नहीं आता पढ़े कैसे इसको, क्योंकि इसमें सारा लाइन वाइज दिया हुआ है, कोई चित्र नहीं दिया है, तो लोगों को इंटरेस्ट आता ही नहीं है कि भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसमें, तो पढ़े क्या? तो भाई ये ध्यान रखो कि जो खाना आपको खाने में सबसे टेस्टलेस लगता है, आप ध्यान दिए होगे, वही आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। जितनी टेस्टलेस की किताबें हैं उतना ही ज़्यादा इसका बेनिफिट है, ये आप ध्यान रखिए। इसको पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ने के लिए तुमको 3-4 बार जतन करनी पड़ेगी। जब 3-4 बार इसी चीज़ को पढ़ लोगे ना, तो तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे तुमने हिस्ट्री तुमने पकड़ लिया, तो तुमको टारगेट कर लेना है कि मुझे 10 दिन के अंदर अंदर लूसेंट की सारी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, या अरिहंत से सारी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। तुम शुरू से लेके, तुम्हें अगर मीडिवियल अच्छा लगता है तो सबसे पहले मीडिवियल उठा लो, तुम्हें अगर मॉडर्न अच्छा लगता है तो मॉडर्न उठा लो, तुम्हें अगर एंशियंट अच्छा लगता है तो एंशियंट उठा लो, लेकिन तीनों को तुमको 10 से 15 दिन के अंदर खत्म करना है। तुम ये टारगेट रख लो कि हाँ 10 दिन तक मैं काम करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए, भले मैं डेली 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तुमको A to Z तक कंप्लीट हिस्ट्री इससे पढ़नी है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो लगे कि भाई अच्छा हो सकता है उसको रंगना भी है, ठीक है? उसके बाद छोड़ दो। जब तुम दोबारा पढ़ोगे तुमको ऐसा लगेगा कि तुम पढ़े ही नहीं हो, तुमको याद ही नहीं है, तो तुम एक बार फिर से रिवाइज करो उसको। और जब इसको तुम तीसरी बार पढ़ लोगे ना, तो भाई तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर तुम पूरी किताब चाट जाओगे, मैं बता रहा हूँ। 3 बार कम से कम अगर करोगे ना तुम एक सब्जेक्ट को, इससे रेस्ट बन जाएगा भाई, 100% कर लोगे। और ये सारी किताबें जो है रामबाण, जिनको पेनिसिया बोलते हैं, समझे, ये सारी किताबें हैं जीके के लिए, बेसिक्स के लिए। बाकी तो बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। तो लो भाई, लाइट भी चली गई। चलो ठीक है, जो आखिरी किताब है जो तुम्हें करनी है, वो है भैया लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव किताब भी आती है। अगर आप लोग को ध्यान नहीं है तो ध्यान में ले आइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, अंडर रेटेड किताब है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न हो गया है जीके का, वो पुराने क्वेश्चंस उखाड़ के डालता है, जो पुराने UPPCS में, जो स्टेट PCS में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस डालता है। तो आपको क्या करना है, लूसेंट सब्जेक्टिव से पूरा लूसेंट पढ़ो, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से पूरा लूसेंट पे प्रैक्टिस कर लो, सिंपल, हिस्ट्री क्लियर, और प्रीवियस ईयर जो कर रहे हो कर ही रहो, समझे? लाइट चली गई है, पता नहीं कौन कौन से बेन स्टोक्स और पेन चोर मुझे बुला रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो अभी मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉस डालूंगा मैं, जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना क्रोनिक मास्टरबेशन के, और तुम कितने परेशान हो, परेशान मत हो भाई, अच्छी चीज़ नहीं है वो, सोल्यूशन दूंगा मैं उसका, बिल्कुल परेशान मत हो। वीडियो को लाइक कर लेना यार, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, देख रहे हो किस हालत में वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। चलता हूँ, जय हिंद, ठीक है, बाय बाय।